रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने अपने सैनिक यूक्रेन में भेजे तो इसका अंजाम परमाणु युद्ध होगा। और इसी दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन के भीतर अमेरिका द्वारा कीव को भेजे गए पेट्रियट और हिमार्स एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया था, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पेट्रियट और हिमार्स उन ताकतवर हथियारों में से एक हैं जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर कई बड़े हमले किए हैं। और अब रूसी सेना ने यूक्रेन को एक और बड़ा झटका दिया है, जो लगातार अपने बड़े हथियार गंवाने की वजह से ज़ेलेंस्की के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल रूसी फौज ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के दो Mi-8/17 सैन्य ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में एक टेम्पररी तौर पर बनाए गए हवाई क्षेत्र में सेना को रसद सप्लाई करने के बाद वहां खड़े हुए थे। रूसी सेना ने तभी इन पर हमला कर दिया। इसको लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इन हेलीकॉप्टर्स को नोवोपावलोवका गांव के पास डिटेक्ट किया गया था। ये हेलीकॉप्टर्स फ्रंट लाइन से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर थे। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि एक ड्रोन फुटेज में साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के तीन Mi-8/17 हेलीकॉप्टर्स एक डर्ट रोड पर लाइन में खड़े हुए हैं। इनके साथ सप्लाई ट्रक और अन्य वाहन भी खड़े हुए हैं, और जैसे ही इन्हें डिटेक्ट किया गया वैसे ही उनके ऊपर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया गया, जिससे दो हेलीकॉप्टर्स मौके पर ही तबाह हो गए। और इसके बाद रूसी सेना ने इन पर दो गाइडेड हथियारों से हमला कर दिया। हालांकि हमले में एक हेलीकॉप्टर और सप्लाई ट्रक मौके से भाग निकले। इस हमले के अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सप्लाई ट्रक अनगाइडेड एयर लॉन्च रॉकेट से लदा हुआ था और इस ट्रक पर गाइडेड एरियल बॉम्ब से हमला किया गया था, जो नाकाम रहा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले में यूक्रेन के दो Mi-8S हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की पुष्टि की है, और बड़ी बात यह है कि इन तीनों हेलीकॉप्टर्स में से एक एयरक्राफ्ट खुद रूस में बना था, जिसका मॉडल Mi-17V5 था। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने साल 2010 में अफगानी सेना के लिए रूस से खरीदा था। रूस का कहना है कि अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट साल 2022 के मध्य में यूक्रेन भेज दिए थे, और जो हेलीकॉप्टर मौके से भागने में कामयाब रहा है वो सोवियत संघ के जमाने में बना हुआ Mi-8MT हेलीकॉप्टर था।